हरे कृष्णा अध्याय 10 श्लोक नंबर 12 और 13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहुस्त्वं रसया सर्वे देवर्षि नारदस्तत असितो देवालो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। इसका अर्थ अर्जुन ने कहा आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवाल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप अब स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। इसका तात्पर्य इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के चार महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया आप परब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के अधिकारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञान वश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहे हैं। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है जो भक्ति की नव विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व है। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है।
क्योंकि वह समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता रिसाइटेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो इस श्लोक में अर्जुन अब भगवान को समर्पण कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं समझ गया हूँ कि आप ही परम भगवान हैं, आप ही परम धाम हैं, आप पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, परम सत्य है और आप नित्य दिव्य और आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं और महान हैं। अब इसको प्रमाणित करने के लिए अर्जुन स्वयं कह रहे हैं, जो कि सबसे बड़े योद्धा हैं इस संसार के। और दूसरी चीज़ वो प्रमाण पुष्टि जो है, और चार मुख्य जन के बारे में बता रहे हैं जो कि ऋषिगण हैं। केवल ऋषिगण नहीं, वह देव ऋषिगण हैं। वो है नारद, असित, देवाल और व्यास जैसे ऋषिगणों ने ये पुष्टि की है कि भगवान जो है वो कृष्ण है और कृष्ण ही भगवान है। ये प्रकट स्वयं भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं। तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो तर्क वितर्क करेगा कि नहीं नहीं, कृष्ण तो भगवान नहीं है, वो कोई सामान्य व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है। अब श्रीला प्रभुपाद ने 5 पैराग्राफ में इसको तात्पर्य में हमें समझाया है कि किस तरह से 2 उपनिषदों के बारे में बताया है, जहाँ पे सारी ब्रह्मांड की चीज़ें, वस्तुएं, चाहे जीवात्मा हो, जड़ जंगम स्थावर हो, कोई भी हो, वो सब कुछ भगवान कृष्ण के आश्रित है। हम सब उनके आश्रय में हैं। अगर वो छोड़ देंगे अपना हाथ तो हम सब पूरे बिखर जाएंगे। इसीलिए हमें इन देवऋषियों को तो कम से कम मानना चाहिए। क्यों? ये कोई इस पर्टिकुलर इस भूलोक के ही महान व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पे बड़े बड़े लोग बन के घूमते हैं, जो नामी लोग बन के घूमते हैं, है ना, जिनको लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, करते हैं, मगर पता नहीं अंदर की बात क्या है, वो तो भगवान ही जाने। मगर ये जो हैं, ये असलियत में सबसे बड़े लोग हैं इस ब्रह्मांड के, सिर्फ इस पृथ्वी के नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे लोकों के। तो ये खुद बता रहे हैं देव ऋषिगण, नारद, देवाल, असित और जो हमारे व्यास मुनि हैं, कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, परम धाम है और परम भगवान है। तो हम सामान्य जीवात्माओं को चूचा नहीं करनी चाहिए और इसको मान लेनी चाहिए, क्योंकि भलाई उनकी नहीं, भलाई की बात हमारी हो रही है। तो हमें अपनी भलाई करनी है, हमारा अपना जो बिगड़ा हुआ काम है उसको ठीक करना है। तो हमें ये परम सत्य जानना ही होगा। हम तर्क वितर्क जैसे फालतू के बकवास में नहीं पड़ सकते। एक बार श्रीला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया था और वो व्यक्ति श्रीला प्रभुपाद जी को पूछ रहा था कि मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं मेरी पत्नी को डांटते रहता हूँ, गुस्सा करते रहता हूँ, उस पर बहुत क्रोध करता हूँ, जबकि मैं अभी भक्त बन रहा हूँ, मैं साधना भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पश्चाताप फील होता है फिर।
मगर मेरे पूर्व वृत्ति के वजह से ये बार बार गलती मुझ मेरी से होते रहती है। तो प्रभुपाद जी से उपाय पूछ रहा था कि मैं क्या करूं। तो श्रीला प्रभुपाद ने उसको श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए कहा, प्लस उन्होंने उनको कहा कि आप जो है पवित्र भगवान नाम का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का, और नरसिंह भगवान के अवतार का जो ये है अध्ययन है, वो कथा जो है वो सुनते रहिए। तो अब वो जो व्यक्ति था वो कंफ्यूज हो गया कि मैं नरसिंह भगवान का जो कथा अध्ययन क्यों करूं, मतलब मैं और अब नरसिंह भगवान जो है वो कृष्ण के बहुत क्रोधित अवतार हैं, है ना, आधा सिंह और आधा नर है, जहाँ पे उनके भक्त को सताया गया था तो भगवान ने ये अवतार लिया था। तो वो समझ में नहीं आया, उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों पढ़ूं, क्योंकि मैं और क्रोधित हो जाऊं और अपने पत्नी को अटैक करूं। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, जब हम भगवान के ऐसे अवतार का कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर जो क्रोध है, जो क्रोध रूपी दुश्मन बैठा हुआ है, वो अपने आप शुद्ध हो जाता है, निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसमें तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान परम सत्य है, परम पवित्र है, और जो कोई भी दूषित वस्तु उनके संपर्क में आता है तो उसका जो दोष है वो भगवान को नहीं लगता है, उल्टा भगवान का जो पवित्रता है, क्योंकि वो तो शुद्धातिशुद्ध हैं, उनकी पवित्रता उस व्यक्ति में या वस्तु में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इन लीलाओं को याद करते हुए, स्मरण करते हुए हम में भी वो गुण आने लगते हैं। जैसे कि नरसिंह भगवान का कथा सुनने पर हमारा क्रोध जो है वो निकल जाता है, क्योंकि भगवान का जो क्रोध है वो दोष नहीं है, जैसे इन संसार का क्रोध देखा जाता है वो तो तामसी या राजसी क्रोध होता है, मगर भगवान का जो क्रोध है, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो सब दिव्य स्तर पर है, और जब हम उसके बारे में सुनते हैं तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है, हमारा काम वासना शांत हो जाता है। इस तरह से हमको भगवान और अर्जुन के बीच के संबंध को जानना चाहिए, भगवान के और गोपियों के बीच का संबंध जानना चाहिए, यशोदा मैया के बारे में सुनना चाहिए, कुंती महारानी की स्तुतियाँ सुननी चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से भक्ति में आगे बढ़ सके और भगवान कृष्ण को जल्द से जल्द समझ सके। और ये मूर्खता बिल्कुल ना करें कि हम ऐसे कहे नहीं कि भगवान कृष्ण तो एक सामान्य व्यक्ति है, ये गलती कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ही अधोगति होती है। हम कितना भी तर्क वितर्क करें, ये संसार चला रहे हैं वो भगवान चला रहे हैं, इसको याद रखना चाहिए, कोई परम शक्ति चला रही है, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी कि कोई ऐसे जो निम्न से निम्न जीव है, जिसकी कोई तुलना नहीं है इस ब्रह्मांड से, वो ऐसे कह रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हम एक तुच्छ जीवात्मा हैं, हम एक साधारण जीवात्मा हैं, और बात यहाँ पे भगवान की हो रही है, परम सत्य की हो रही है। तो हमें आंख बंद करके, आंख मीच कर वेद शास्त्रों में और इन देव ऋषियों में और शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद के कहने पर मान लेना चाहिए, और व्यर्थ में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वक्त हम बर्बाद कर चुके हैं, अब बचा कुचा जो वक्त है उसे तो कम से कम सद्गुण में लगाएं और सदगति पावे, है ना। तो इस तरह से हमें अपनी भलाई सोचनी है और दूसरों के भी, और कृष्ण भगवान के बारे में दूसरों को भी बताना है, ताकि वो भी सुधरे और भगवत धाम को निकल जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।